जो फेशियल हेयर है उनको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करता जाएगा, फेशियल हेयर से भी आपको जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक विंटर स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं आपको होममेड मास्क बताऊंगी, पील ऑफ मास्क। सो सर्दियों में जब आपकी स्किन इतनी डल एंड ड्राई हो जाती है, तो आपको होता है कि यार अब महंगे महंगे फेशियल्स कराएं, हाइड्रा फेशियल कराएं, ये फेशियल कराएं, वो फेशियल कराएं। सो यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। आपका बार बार अपनी स्किन पे यू नो सैलॉन्स में आपको नहीं पता होता वो कैसे इक्विपमेंट्स कैसी क्या अच्छा चीज़ें यूज़ करते हैं, तो मैं तो बिल्कुल अपनी जो भी स्किन केयर है वो घर में ही करना पसंद करती हूँ। आई वुड रादर वॉन्ट के लेस केमिकल्स ऑन माई फेस एंड मोर होममेड रेमेडीज फॉर माई स्किन आई वुड वॉन्ट। सो मैं सबसे पहले आपको होममेड रेमेडी की तरफ लेकर चलती हूँ, दैट इट विल बी माई पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क हमारा सबसे स्टेप नंबर वन होगा। पील ऑफ मास्क में मैं आपको सिर्फ आपको दो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एक ये आपको चाहिए जी एग वाइट, जस्ट एग वाइट, एग जो को मैंने अलग कर दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर, यस इट इज टिश्यू पेपर। आप वंडर कर रहे होंगे कि टिश्यू पेपर से इसमें क्या करना है, तो टिश्यू पेपर का ये है कि हमने अपने मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और उसको अपने फेस के साइज के मुताबिक छोटे छोटे पीसेज में काट लिया, ठीक है। जैसे ये मैंने अपने फोरहेड के लिए काट लिया है, ठीक है। हमने अपने पूरे फेस पे इसको लगाना है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है, व्हेन आई विल अप्लाई इट, ठीक है। उसके बाद ये मास्क लगाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी यूजुअल स्किन केयर रूटीन है हम उस पर जाएंगे। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि स्किन इस मास्क से होगा क्या, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट ये है कि ये ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को सबसे पहले रिमूव करते हैं, क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है और ये आपकी जो यही अनइवन स्किन टोन है इसको भी इवन आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी नोज पे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो जाते हैं यहाँ पे पूरे ऑल ओवर द फेस, मैं आपको जब पील ऑफ कर रही हूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोना स्टार्ट विद माई स्टेप्स, ठीक। तो चलें जी, हमें एक अदद ब्रश की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम अपने फेस पे एक वाइट जो है वो पूरा इवनली अप्लाई कर सकें। सो आपने सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करना है। किसी भी फेस वॉश से आप अपना मुंह धो के आएँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि आपके स्किन पे कोई ऑयल कुछ भी ग्रीसी नहीं लगाना चाहिए, आपने अपनी स्किन को बिल्कुल फ्रेशली वॉश्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद अप्लाइंग दिस। अभी आपने इवनली अपनी पूरी स्किन पे ऐसे ऐसे करके लगाते जाना, ठीक है। अच्छा, अपने इस अपवर्ड डायरेक्शन में यू इस डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ। सो ये आपने लगा दिया और ये मैंने अपनी चीक के लिए काटा है, ये, ठीक है, दिस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मज़ीद, ठीक है, ये अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ तक, ठीक है। अब इसी तरह हम अपने सेकंड चीक के लिए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये इसके ऊपर लगा देना है, ताकि टिश्यू के ऊपर कोई भी टिश्यू का जो वाइट पार्ट है वो ना रहे ऐसे। पूरे फेस पे आपने ऐसे करके अपना ये मास्क बनाते जाना, ठीक है। अब हम चिन पे अप्लाई करेंगे, दिस इज फॉर लिप्स।
ओके, अब हमने ये सारा लगा दिया है अपने फेस पर, मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी है बिकॉज ख़राब हो जाएगा। सो आई हैव टू वेट इट टू ड्राई, ठीक है, ये सारा ड्राई होने तक हमने वेट करना है। अब चाहे जितनी मर्जी देर में ये ड्राई हो, हमने इसको बिल्कुल, जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि हाउ इट लुक्स। सो वी हैव टू वेट नाउ। अच्छा जी, मास्क हमारा ड्राई होके एकदम कड़क हो चुका है, जब वी मेट वाला एकदम कड़क ब्यूटी। मास्क उतारने से पहले अच्छी तरह चेक करना है कि मास्क ड्राई हो चुका है, बिल्कुल किसी जगह से भी वेट होगा तो ये उतरेगा नहीं। तो आपने नीचे से इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू करना है, ऐसे अपनी नेल्स की टिप से ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता निकलता आएगा, और इसको यूँ इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में आपने उतारना है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं उतारना, नीचे से ऊपर उतारना है, ठीक हो गया, जैसे मैं बता रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से सारा मास्क करके उतर जाएगा। सो जी, मास्क उतर गया है, अब मैं अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ और वॉश करके मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स बताती हूँ। हमने मास्क जो है वो पील ऑफ कर दिया है और मैं आपको मतलब दिखा रही हूँ कि कितनी हद तक मेरी स्किन टोन इवन हो चुकी है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जब आप मास्क अपना सारा उतारेंगे, मैं आपको इस कैमरे में नहीं दिखा सकती बिकॉज इस पे नज़र नहीं आएगा, बट जब आप इसको असल में उतार के जब आप इसको लाइट से देखेंगे तो इस पे आपको अपने छोटे छोटे बाल फेशियल हेयर वो दिखेंगे, और ये उतारते हुए बिल्कुल कोई पेन नहीं होता, इट्स वेरी पेनलेस, सा कुछ भी ऐसे फील नहीं होता। जितने भी वाइट हेड्स हैं और ब्लैक हेड्स हैं, जितने आपके, मेरे लिटरली नोज साफ़ हो चुका है, मेरे वाइट हेड ब्लैक हेड्स इस पे रिमूव हो चुके हैं, आपको इसके ऊपर खुद देखने को मिलेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अगर आप ये डेली मतलब वीकली, वीक में दो दो दफ़ा भी लगाते रहेंगे तो आपके जो अनवांटेड फेशियल हेयर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। इस मास्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइज, यू जस्ट हैव टू ट्राई दिस मास्क। गाइज, दिस मास्क इज़ माई फेवरेट मास्क और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ अप्लाइंग द टोनर। आप टोनर किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, डजेंट मैटर। आपने इसके बाद टोनर लेना है, आपने अपने से करके कॉटन पैड पे लगाना है और अपनी स्किन पे टैप 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 करके इसको ऐसे लगाते रहना है, ठीक है। विटामिन सी जो है वो हमेशा मैं कहती हूँ रात के टाइम यूज़ करें, बेस्ट रिजल्ट इसके रात के टाइम यूज़ करने से आते हैं। अगर आपने ये यूज़ करना है देन अप टू यू, और फिर हम अपना विटामिन सी यूज़ करेंगे आफ्टर आर टोनर। सो जी, विटामिन सी अप्लाई हो चुका है, उसके बाद अपना अगला स्टेप है जी हाइलुरोनिक एसिड। वेयर इज़ माय हाइलुरोनिक एसिड? ओके, मैं यूज़ कर रही हूँ बूट्स का ही हाइलुरोनिक एसिड। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, वट एवर सूट्स यू। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? इट एड्स ग्लो टू योर फेस, ग्लो टू योर स्किन। तो अब मैं इसके बाद अपना फाइनल एंड लास्ट स्टेप कर रही हूँ, विच इज़ अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं न्यूट्रोजीना का यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग और एक बहुत कूलिंग इफेक्ट मुझे फेस पे देता है, एंड आई जस्ट लव दिस। एंड तो सर्दियों में तो ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है, मैंने ये वैसे गर्मियों में ख़रीदा था बट मुझे मज़े का लगता है इसका ठंडा इफेक्ट, सो आई जस्ट डोंट माइंड इट कि ये मैं सर्दियों में भी यूज़ करूँ। तो ये आप देखें कि मेरी स्किन के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, मुझे अपने डार्क सर्कल्स में भी बहुत बहुत हद तक कमी लग रही है, मुझे अपनी अनइवन स्किन टोन काफ़ी हद तक इवन लग रही है। और अगर आप इसको जितना जितना रेगुलरिटी से यूज़ करते जाएंगे उतना ही आपकी स्किन के लिए अच्छा है।
अच्छा रहेगा, ये उतना ही आपकी जो फेशियल हेयर है उनको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करता जाएगा, फेशियल हेयर से भी आपको जान छूट जाएगी। सो गाइज, आई थिंक के इतने महंगे महंगे फेशियल्स कराने से अगर आप ये स्किन के रूटीन फॉलो कर लें तो क्या ही कहने, आपके आपकी स्किन चमक उठेगी, ठीक है। जितना आप इसको रेगुलरिटी से यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी स्किन काम कमाल होती जाएगी होती जाएगी। ये नहीं है कि जादू चल गया, एक देख रहा आपको किया आपने उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि ये जी पूरा महीना चलेगी। आपने वीकली वीक में कम से कम दो दफ़ा ये मास्क ज़रूर लगाना है और अपनी ये स्किन के रूटीन तो डेली फॉलो करनी है, उसके बाद आपकी स्किन है चमकना शुरू होगी। सो इस ब्लॉग को मैं अब यहाँ पे एंड करने लगी हूँ। मैं अपनी स्किन आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा दूँ कि मुझे अपनी स्किन कितनी मज़े की लग रही है और आप देखें एंड मतलब इट्स सो, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बेयर स्किन, नथिंग, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी थिंग एट ऑल। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।